हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चेदानी के अंदर पाई जाने वाली गांठों के बारे में, यानी कि फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड एक बहुत कॉमन समस्या है और बहुत ही कॉमनली फीमेल्स के अंदर देखी जाती है, जो बच्चेदानी के अंदर बन जाती है। ये एक तरह की मसल्स की गांठ है, जो बच्चेदानी की मांसपेशियां होती है उसके अंदर गांठ बन जाती है, जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं। अब ये एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या काफी सारे हो सकते हैं। अगर बहुत सारे फाइब्रॉइड बन जाते हैं तो बच्चेदानी गोभी के फूल के जैसी नजर आने लग जाती है और उसको हम मल्टीपल फाइब्रॉइड के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि मेरे बच्चेदानी के अंदर कहीं गांठ तो नहीं बन गई है, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चेदानी के अंदर गांठ का होना या नहीं होना सस्पेक्ट किया जा सकता है? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि आपकी ब्लीडिंग हैवी आना, यानी कि जो महीने का माहवारी है उसके दौरान जो आपको खून जाता है, वो आपका या तो एक दिन के अंदर बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती है, बड़े बड़े क्लॉट्स आ सकते हैं, या उसकी ड्यूरेशन बढ़ सकती है। यानी कि अगर आपका 3 से 5 दिन तक महीना आता था, तो हो सकता है कि अब 7-8 दिन या 10 दिन तक महीना आता हो, या 3 से 5 दिन आने के बाद में वो लगातार थोड़ा 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 चलता रहता हो। तो इस तरीके की अगर महीने की एबनॉर्मलिटी आपको दिखाई देती है, आपको लगता है कि पिछले 4-5 महीनों में आपके महीने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, यानी कि आपका महीना जल्दी आने लगा, यानी 30 दिन की जगह 20 दिन पर, 25 दिन पर, 21 दिन पर आने लग गया है, या फिर आपके महीने की ड्यूरेशन बढ़ गई है, यानी कि 5 दिन से ज्यादा होकर 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो गई है, या फिर 1 दिन के अंदर आपके 3 या 4-5 पैड खराब होने लगे हैं, या आपके ब्लीडिंग के दौरान बड़े बड़े क्लॉट्स यानी टुकड़े पास होने लगे हैं। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि आपके बच्चेदानी के अंदर गांठ हो सकती है, तो उसके लिए फिर आप जांच अवश्य कराएं। दूसरा इम्पोर्टेंट लक्षण है पेट के अंदर दर्द होना। जैसे कि अगर आपको खाना खाने के बाद पेट फूलना है जैसे लगता है, या आपको दिन भर ही थोड़ा थोड़ा पेट के अंदर दर्द लगता है, या आपको महीने आने के समय पहले दर्द नहीं होता था और अब दर्द होने लगा है, कि दैट मीन्स कि आपके बच्चेदानी में, अंडेदानी में कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से अब पेट के अंदर भारीपन और दर्द आपको महसूस होने लगा है, तो ये भी आपकी गांठ का एक सिम्टम हो सकता है। तीसरा इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि अगर आपको बच्चे नहीं लग रहे हैं, बच्चे लगने में समस्या आ रही है, या आपको बच्चे लग रहे हैं लेकिन अबॉर्शन हो रहा है, यानी कि आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, तो भी बच्चेदानी के अंदर कोई समस्या हो सकती है। वो एक फाइब्रॉइड हो सकती है। फाइब्रॉइड एक काफी कॉमन समस्या है जिसकी वजह से कई बार बच्चे नहीं लगते और बच्चे लग जाते हैं तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, या फिर बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है, यानी कि मिसकैरेज हो जाता है, वो भी एक बड़ी दुखद स्थिति होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो अपनी सोनोग्राफी करवाएंगे तो आपको पता चल पाएगा कि बच्चेदानी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। कई बार बच्चेदानी के अंदर गांठ होती है और साथ में प्रेगनेंसी भी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में आप लोग कई परेशान हो जाते हैं कि अरे अब क्या करें कि बच्चेदानी में गांठ भी है और प्रेगनेंसी भी है। तो ये टॉपिक हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने है तो। अब अगर इन सिम्टम्स से आपको लगता है कि आपको बच्चेदानी में गांठ होने की समस्या हो सकती है, तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर मिलिए, जरूर दिखाइए, परामर्श जरूर कीजिए, तो वो आपको एक सोनोग्राफी बताएंगे, और सोनोग्राफी के द्वारा ही हमें कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चेदानी के अंदर ये फाइब्रॉइड है नहीं है, या और कोई समस्या है, फाइब्रॉइड कितने हैं, कहाँ है, और कौन सी लोकेशन पे हो के उनके अंदर कहीं खून के थक्के तो नहीं बन गए हैं, जिनको एडिनोमायोमा बोलते हैं। तो इस तरीके के इसके गांठ के टाइप्स भी हो सकते हैं, और बहुत रेयरली इनमें कैंसर भी हो सकता है। 1 लाख में 1 मरीज के अंदर इन गांठों के अंदर कैंसर की बीमारी भी निकल सकती है। तो इसलिए किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम अगर आपको आते हैं तो उन्हें अवॉइड ना करें, और एक अपनी सोनोग्राफी जरूर करवाइए, और फिर एक बार हम बताएंगे कि अगर सोनोग्राफी अगर आपको बोली जाती है तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बच्चेदानी के लिए हमेशा ट्रांसएब्डोमिनल सोनोग्राफी से बहुत अच्छी होती है और MRI के कंपैरेटिव होती है। तो अगर आप TVS करवाते हैं तो हो सकता है कि आपको MRI ना करवाना पड़े, तो इसलिए अपने डॉक्टर को कोऑपरेट कीजिए और TVS के लिए जरूर हाँ कीजिए। अब अगर आपने कोई डायग्नोसिस बन जाता है कि आपकी बच्चेदानी के अंदर गांठ है यानी कि फाइब्रॉइड है, तो अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए, इसको मैनेज कैसे किया जाए। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल है जिनसे इन गांठों का बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज संभव है। इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट यानी गोली और दवाइयां नहीं होती हैं, ये सॉलिड गांठ होती है और इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये सॉलिड गांठें हर साल में 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती हैं,
तो कोई भी बड़ी गांठ, यानी कि आपने सुना होगा कि किसी के पेट से 2 किलो की या 5 किलो की गांठ निकाली, तो पहले दिन तो 5 किलो की नहीं होती है, वो शुरुआत तो ही 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से होती है, लेकिन वो अपनी इग्नोरेंस के चलते या अपनी जांच नहीं कराने के कारण वो पेट के अंदर बढ़ती जाती है और आपके अंदर ब्लड लॉस होता जाता है, तकलीफ बढ़ती जाती है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी फाइब्रॉइड डायग्नोस हुआ है तो उसका अल्टीमेट इलाज उसको निकलवाना ही है, कोई भी गोली और दवाई इस पर इफेक्टिव नहीं होती है। ये सॉलिड गांठ होती है और इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये सॉलिड गांठें हर साल में 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती हैं, तो कोई भी बड़ी गांठ, यानी कि आपने सुना होगा कि किसी के पेट से 2 किलो की या 5 किलो की गांठ निकाली, तो पहले दिन तो 5 किलो की नहीं होती है, वो शुरुआत तो ही 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से होती है, लेकिन वो अपनी इग्नोरेंस के चलते या अपनी जांच नहीं कराने के कारण वो पेट के अंदर बढ़ती जाती है और आपके अंदर ब्लड लॉस होता जाता है, तकलीफ बढ़ती जाती है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी फाइब्रॉइड डायग्नोस हुआ है तो उसका अल्टीमेट इलाज उसको निकलवाना ही है, कोई भी गोली और दवाई इस पर इफेक्टिव नहीं होती है। हाँ, एक गोली आती है यूलिब्रिस्टल एसीटेट के नाम से, जो इसका टेम्पररीली साइज कम करती है बट इसको खत्म नहीं करती है। तो ये गोली लेने का एक ही उद्देश्य हो सकता है, एक ही एम हो सकता है कि अगर आपके घर में ऐसी कोई इमरजेंसी है कि आप तुरंत ऑपरेशन नहीं करवा सकते और किसी कारणवश आपको ये ऑपरेशन 2 या 3 महीने टालना है, तो आप वो गोली लें ताकि उस टाइम बिंग में गांठ का साइज ना बढ़े, क्योंकि जैसे ही वो गोली स्टॉप होती है उसके बाद रिबाउंड ग्रोथ होती है, यानी कि वो गांठ वापस से ग्रो कर जाती है और हो सकता है कई बार डबल साइज में भी पहुंच जाए। तो इसलिए गोली लेने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। एक ही फायदा होता है कि जब तक आप 2 महीना 3 महीना गोली लेते हैं तब तक वो गांठ बढ़ती नहीं है। दूसरी, कई बार ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको गांठियां होती है तो उनका महीना भारी आता है, तो उनमें खून की कमी हो जाती है, एनीमिया काफी सीवियर हो जाता है और कई पेशेंट को हम खून नहीं चढ़ा पाते एलर्जिक रिएक्शंस के कारण, तो फिर हमें उनमें आयरन का इंजेक्शन लगाकर खून बढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है, तब हम ये गोली प्रिफर करते हैं। इसके अलावा इस गोली का और कोई उद्देश्य नहीं है। अब अगला सवाल हमारे दिमाग में एक और आता है कि अगर अब गांठ है तो क्या केवल गांठ निकाली जा सकती है या बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े टेंशन का सवाल है कि अगर आपको बच्चे नहीं है या आपकी उम्र अभी 40 साल से कम है या आपकी मनोस्थिति ऐसी नहीं है कि आप बच्चेदानी निकलवाने के लिए रेडी हैं, तो फिर सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है कि कई बार डॉक्टर से सलाह दे देते हैं किसी किसी को कि भाई अब तो अवध की बच्चेदानी निकालनी ही पड़ेगी, इसको बचाया नहीं जा सकता। बट ऐसा नहीं है, बच्चेदानी को 100% बचाया जा सकता है, सिर्फ गांठ निकाली जा सकती है और बच्चेदानी को, यूट्रस को सेव किया जा सकता है, चाहे से गांठें कितनी भी हो, एक गांठ हो चाहे 5 गांठ हो चाहे 10 गांठ हो। अभी तक हमने 30 से 40 गांठें निकालने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, 5.5 किलो की गांठ हमने दूरबीन से निकाली हुई है, बच्चेदानी बचाई हुई है, आगे उन महिलाओं ने बच्चों को जन्म भी दिया है, तो इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि गांठ होने के बाद आप बच्चेदानी बचाना चाहते हैं तो हम ये 100% कह सकते हैं कि बच्चेदानी बचाई जा सकती है। अब सवाल मन में ये आता है कि अगर ये ऑपरेशन होना है तो क्या ये दूरबीन से संभव है, या इसको बड़ा ऐसा खड़ा चीरा लगा के या आड़ा चीरा लगा के पेट खोल के करना पड़ेगा? तो हाँ जी, बिल्कुल संभव है। दूरबीन से ही हमने 5 किलो 5.5 किलो की गांठ निकालने का रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए बहुत बेहतर तरीके से संभव है और आराम से किया जा सकता है। ये 3-4 छेद बनाकर ऑपरेशन किया जाता है जिसमें बच्चेदानी में जो गांठ होती है उसके ऊपर छोटा सा कट लगाया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है और गांठ को बाहर निकाल लिया जाता है, और फिर उसी तरीके से जैसे हमने की पिछले वीडियो में बात की थी कि उस गांठ को पॉली बैग के अंदर यानी प्लास्टिक के बैग के अंदर, थैली के अंदर डाला जाता है, फिर एक साइड से कटर डाला जाता है यानी मॉर्सुलेटर बोलते हैं, उस मॉर्सुलेटर से उस गांठ को कट कर रिबन जैसा लंबा बना लिया जाता है और पेट से बाहर निकाल लिया जाता है। तो पॉली बैग के अंदर रख के काटने से किसी भी तरीके का एक छोटा सा टुकड़ा भी गांठ का पेट के अंदर नहीं फैलता है। तो इससे आपको ये दिमाग में क्लियर कर लेना चाहिए कि गांठ का कोई हिस्सा पेट के अंदर नहीं रहता है, कोई टुकड़ा इधर उधर नहीं गिरता है, और जो भी गिरता है उस थैली के अंदर गिरता है, जो कि ऑपरेशन खत्म होने पर यानी जब पूरी गांठ बाहर आ जाती है तो उस थैली को भी पेट से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये बिल्कुल साफ सुथरा ऑपरेशन है, गांठ का कुछ हिस्सा अंदर नहीं रहता और पूरी गांठ को अच्छे से काट कर बाहर निकाल लिया जाता है। तो अगर बाई चांस इसमें कैंसर भी हो तो ये फैलता नहीं है, बहुत सेफ है, दिमाग में किसी तरीके का और कोई उलझुल विचार लाने की जरूरत नहीं है कि वे दूरबीन से ऑपरेशन ना कराएं और पेट खोल के कराएं
ताकि गांठ पूरी की पूरी निकाली जा सके। तो गांठ पूरी उसमें भी निकाली जाती है और हाथ वाले में भी निकाली जाती है, बट हाथ वाले ऑपरेशन में इतना बड़ा चीरा लग जाता है, चीरा लगने से उसमें दर्द होने लगता है, टांगों में कई बार टांके पक जाते हैं, वजन भार का परहेज रखना पड़ता है, और कई बार टांगों में जो चीरा लगा उसमें हर्निया भी बन जाता है। तो एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, और घर में काफी काम की और सब चीजों की तकलीफ हो जाती है, क्योंकि एक महिला ही अपने घर की एक धुरी होती है, वो ही पूरे घर को संभाल कर रखती है। तो उसका अगर बेड रिडन हो जाए, यानी वो बिस्तर पर लेट जाए, तो सारा घर रुक जाता है। इसलिए हम हमेशा यही सलाह देते हैं कि दूरबीन का ऑपरेशन करवाइए, एक दिन में घर जाइए और एक हफ्ते के अंदर अपने काम पर वापस लग जाइए, जिससे कि आपकी फैमिली, आपका काम, आपके बच्चे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता और आपको किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं होती है। बहुत सारे मिथ्स है मार्केट के अंदर, समाज में प्रचलित है, जिसकी वजह से कई बार हम मिसगाइड हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं कि हाथ वाला ऑपरेशन करवा कर फिर आगे अपन जिंदगी भर परेशानी झेलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं वो बिल्कुल सही सलाह देते हैं, उनके डॉक्टर की सलाह पर आप विश्वास कीजिए और डिसीजन सही लीजिए। तो इस पूरे वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड है तो उसके हल्के से सिम्टम्स होते हैं, यानी कि ब्लीडिंग का ज्यादा होना, पेट में दर्द होना, बच्चे लगने में परेशानियां, बच्चे खराब हो जाना, फिर उसका ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से आप पता लगा सकते हैं, और दूरबीन द्वारा हर प्रकार की गांठ का इलाज संभव है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको फायदेमंद लगी होगी और इसको आप अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में जरूर शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोज के थ्रू और भी जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।